और इसी बीच सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 लाख की शराब की जब्ती की गई है। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो से ये शराब की जब्ती हुई, 3780 कार्टन शराब की जब्ती हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3780 लीटर शराब की जब्ती स्कॉर्पियो से हुई। मैरवा के मैदनिया नहर पुल पर ये कार्रवाई की गई है। सिवान से बड़ी खबर, 5 लाख की शराब की जब्ती, स्कॉर्पियो से मिली शराब, बाइक भी जब्त की गई है। मैरवा के मैदनिया नहर पुल पर यह कार्रवाई की गई। सामने लगी हुई है और पहली बरामदगी ये है। प्राप्त सूचना के आलोक में छापेमारी की गई थी, उसके बाद जो है गाड़ी के साथ में ये सभी शराब बरामद हुए हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसमें हम लोग पता लगा रहे हैं, जो भी संलिप्त होंगे उन पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कड़ियार के नगर थाना क्षेत्र में गोदाम में छापेमारी की गई, जहां पर पटाखे बनाए जाते थे। आपको बता दें कि अवैध पटाखों को वहां से बरामद किया गया। इनकी कीमत 70 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। कटिहार से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखों की जब्ती की तस्वीर बताया जा रहा है कि दीपावली के मौके पर इस पटाखे को बाजार में बेचने की तैयारी थी, लेकिन सूचना मिलने पर टीम बनाकर छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची और बिना लाइसेंस के चल रहे गोदाम और दुकान को सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि जब्त पटाखे की कीमत करीब 70 लाख रुपए है। आज सुबह सुबह ही एक गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ा बाजार में परवेज स्टोर नाम का एक दुकान है, जो बिना लाइसेंस के बहुत ज़्यादा फटाखा स्टॉक किया। उसी सूचना के आधार पर मैं यहाँ आया तो इन्होंने कबूल किया कि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। इनकी एक दुकान और उसके अलावा 3 गोदामें थी जो पटाखे से भरी हुई, तीनों को सील कर दिया गया है। और इनको मैं जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है 60 से 70 लाख है। मुझे लगता है कि फिर GST नंबर से इनका ये हो जाएगा निकाल के कि कितने का इन्होंने सामान स्टॉक कर रखा है। और कटिहार पुलिस ने जमीन खरीद बिक्री के मामले में ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि करोड़ों की ठगी इनकी तरफ से की गई। बंटी बबली इनका नाम बताया जा रहा है। ठगी करने के बाद ये पूरे परिवार के साथ मुंबई रवाना हो गए थे। सदर DSP ने बताया कि आरोपी नारायण मलिक और उनकी पत्नी अदिति मलिक जमीन खरीदने और बेचने का नाम पर एग्रीमेंट बनवाकर ठगी करते थे। कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद दोनों परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गए। दोनों पति पत्नी पर ठगी के कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने दोनों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जब 11 लाख 20 लाख में जमीन का बात हुआ था और हम आधा पैसा 11 लाख रुपया दे दिए थे, जो कि मेरा